हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UK04 अली ब्लॉग्स। कैसी है यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस हम भी एकदम ठीक हैं। तो गाइस अभी हैं हम हल्द्वानी में कुछ इस तरह की लोकेशन पे, और आज का मौसम सामने से इतना मस्त लग रहा है ना, बादल छाए हुए हैं और गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही थी, लेकिन अभी अभी थोड़ी जब बाइक में हम आए हैं तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, नहीं तो बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही थी। गाइस हालत ख़राब हो गई, हेलमेट लगाए लगाए। तो हम निकल चुके हैं, अब हल्द्वानी से निकल रहे हैं और चलते हैं सीधा पहाड़। तो कल की राइड हमारी बहुत मस्त रही अपने ग्रुप के साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा उस ब्लॉग में। तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपको हर ब्लॉग में मज़ा आए हमारे। ओहो, कातिल निगाहें। सामने का व्यू देखिए गाइस, कितना मस्त लग रहा है ना, जो पहाड़ी दिख रही ना, गजब। बन जाते हैं अभी गोली, गोली की रफ्तार से निकलते हैं, लेकिन हल्द्वानी में कभी कभी ये भी खतरा रहता है ना, कौन कहां से किधर को कट मार दे पता ही नहीं लगता, लोग इंडिकेटर भी नहीं देते, तो थोड़ा डर भी लगा रहता है। और खास करके इन ऑटो वालों को तो पता ही नहीं लगता कब किधर को ले जाएं ये ऑटो को अपने, तो पता नहीं लगता कौन कब कहां को कट मार दे, तो उस चीज़ को भी देख करके चलना पड़ता है। और सामने का व्यू तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, और मौसम ऊपर को ख़राब हो रहा है, बस उम्मीद करता हूँ कहीं बरसात ना मिले हमें, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, और अगर बरसात मिली हमें तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी कि मैं भीग जाऊँ, बस ठीक ठाक पहुँच जाऊँ मैं पहाड़, क्योंकि पहाड़ में ठंडा बहुत लगता है, और एक बार भीग गया तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है ऊपर को, सामने देख सकते हो आप। मैडम कह रही है साइड से चलो भाई, जाम लग जाएगा, कहाँ लेके जा रहा। बस सबक बरसात ना मिले, मौसम देख ऊपर को देख, सामने पहाड़ में बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है। ये क्या था, कैसा लगा? कहाँ यार, अरे अरे भाई साहब, कैसे रोके रोके फिरो। तो जाम लग रहा है, बहुत लंबा जाम लग रहा है गाइस। चल भाई, लंबा जाम लगा है यार, और मौसम हो चुका है खराब। तो अब आने वाला है गाइस मजा, ठंडी ठंडी हवा, एकदम शुद्ध हवा। ओ भाई जाम तो देखो, हाँ हल्द्वानी, हाँ आप कहाँ से हो? नैनीताल से? तो मैं ऊपर ही मुक्तेश्वर ही जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ मैं, मुक्तेश्वर। हाँ मतलब रहने वाला यहाँ को हूँ, वहाँ रहता हूँ, हाँ वहीं जा रहा हूँ अभी। इतनी जगह है,
बस जगह मिल जाए थोड़ी सी, बाकी तो हम निकल ही जाएंगे। और जाम बहुत लंबा जाम लगा है गाइस, बहुत ही लंबा जाम लगा है। तो ये भैया नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल के रहने वाले हैं। हम कल भी आए थे इधर को, क्योंकि यहाँ से रोकोन कैफ़े के लिए रोड जाती है अंदर को। मैं दिखाता हूँ कहाँ से जाती है। कल हम पहुँचे थे रोकोन कैफ़े अपने दोस्तों के साथ जो हमने ग्रुप राइड की थी। उसके बाद हम वहाँ पे बैठे, एंजॉय किया। ये रोड सीधी इधर को रोकोन कैफ़े जा रही है और यहाँ से हम निकल जाएंगे सीधे। भाई बहुत ही लंबा जाम लगा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लगा है, देख सकते हो आप। ओ देख तो सहवाग जाम, ये भाई ने मारुति कहाँ लगा रखी है यार, उधर को इतनी जगह है। भाई अगर आज फोर व्हीलर होती ना तो अभी हम कहाँ होते, कार्ड गोदाम से भी पीछे ही होते अभी हम, अगर फोर व्हीलर होती तो आज हमारे पास। तो बाइक का बहुत फ़ायदा है और बाइक राइड का जो मज़ा है वो बता नहीं सकता, जो राइडर है वही समझ सकता है। तो भाई मैं सोच रहा था हम इस जाम से निकल चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि हम इस जाम से अभी निकले हैं। ओ ये देखो ये क्या हो रखा है, कहाँ घुस रखी है भाई, इसी की वजह से जाम लग रहा है। वही है चलना पंगा, दोनों पिकअप और मारुति आपस में भीड़ रखी हैं और इसी वजह से जाम लग रहा है ये। रोड ब्लॉक कर रखा था इन्होंने एक साइड, उनमें चल रहा है पंगा भाई। भाई बहुत लंबा जाम लग रहा है, तो भाई आज लग चुकी है ऐसी की तैसी। भाई बहुत बुरा हाल था, अभी तक जाम में ही फंसे हुए आ रहे हैं हम, और यहाँ पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा जाम। अभी अभी बिल्कुल जाम से क्लियर होकर आए हैं और बहुत ही जाम लग रहा है भाई, आज हल्द्वानी से जाम मिला है। ओए और भाई भीमताल पहुंचते हमें कितना टाइम हो गया, 5:30 बज गए, बाप रे 3 घंटे हो गए हल्द्वानी से। अरे बदतमीज़,
तो हल्द्वानी से हमें 3 घंटे हो गए भीमताल पहुँचते पहुँचते, वो भी बाइक से, और गाड़ी से होते तो शायद रानीबाग पहुँचे होते हम अभी, इतना जाम लग रहा है। और ये देखो हालात तुम आज जाम के। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं कह रहा कोई मिलने वाला दिखे, बात कर रहे दिखे हैं, मैं तो मेरा मिलने वाला दिखे, कुछ पूछ रहा दिखे। भाई मौसम तो इतना मस्त हो रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और भाई अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही बरसात रुकी है, नहीं तो हम भीग चुके होते सारे बिल्कुल। ये देख सकते हो आप, रोड भी बिल्कुल अभी बिल्कुल एकदम गीली है और पानी भी है, तो अभी तक तो हम बचे हुए हैं बरसात से, भीगे नहीं हैं। अगर हम 10-15 मिनट पहले अगर यहाँ आए होते तो शायद हम भीग जाते बरसात में, क्योंकि अभी अभी रुकी है। तो यहाँ से निकलते हैं गाइस, और आप देख सकते हो व्यू पूरा। खतरनाक मौसम हो रहा पहाड़ों का, और हल्द्वानी में थे तो इतना भयंकर गर्म भाई, सड़ी हुई गर्मी पड़ रही, बहुत खतरनाक वाली गर्मी, बुरे हाल हो गए। और यहाँ पहाड़ में पहुँचते ही भाई ओ सकून, सकून की ज़िंदगी, एकदम ठंडी हवा, शुद्ध भाई गजब। तो बरसात हो रही है आगे को हल्की हल्की, और हम सोच रहे हैं बरसात में ना भीगें भाई। तो भाई यहाँ पे रुके थे हम, ये नदी बह रही है और ये रोड है, तो यहाँ पानी मिला हमें, गाड़ी पूरी बुरा हाल हो चुका था, और आज ही बोझ कर आई थी मैंने, तो मन की पहले यहाँ रुक लेते हैं और गाड़ी को साफ कर लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो मैं यहाँ सहवाग को पानी भर भर के दे रहा हूँ, और सहवाग गाड़ी में पानी मारा, क्योंकि अभी गीला है ना तो सब साफ़ हो जाएगा पानी मारने से, और एक बार जम जाए ना तो फिर साफ नहीं होगा। और आज ही गाड़ी बोझ कर आई थी मैंने, तो मैं नहीं चाहता वहाँ फिर वॉशिंग सेंटर भी नहीं है ना यहाँ पहाड़ में, अपने हाथों से धोनी पड़ती है, क्यों ना अभी धो लें, क्योंकि बात की परेशानी से अभी का ठीक है, अभी एकदम साफ भी हो जाएगा वो, क्योंकि गीला है ना अभी। तो मैंने यहाँ रोकी, मैंने सहवाग पहले गाड़ी धो लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आराम से। तो सहवाग कह रहा हाँ ये भी सही कह रहे हो, चेक कर सकते हो आप जैसे कि हैं हो गया। पीछे व्हील पे भी मार दिए और आगे मार दिया, आगे जाकर आगे से। तो आजकल अभी इतनी बरसातें तो हुई नहीं है जो कि इतना ज़्यादा पानी आए, नहीं तो यहाँ से ये पूरा फुल हो जाता है ना, और यहाँ से ओवर होके फिर पानी यहाँ से सीधा नदी में जाता है, और डबल बांध बना रखे हैं पानी रोकने के लिए, क्योंकि पहाड़ में पानी की दिक्कत तो रहती है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम गंगवा चोर और भटेलिया मार्केट पहुंचने वाले हैं, और सामने का व्यू चेक करिए आप, क्या तगड़ा व्यू है ना, और ठंडा इतना हो रहा है ना, बहुत भयंकर वाला ठंडा हो रहा भाई, मेरी तो ठंडे से हालत ख़राब हो गई, क्योंकि टी शर्ट पहन रखी है बस, और कुछ भी नहीं पहना है, टी शर्ट और लोअर पहन रखी है मैंने भी और सहवाग ने भी। और नीचे को इतना गर्म हो रहा था ना हल्द्वानी में, बहुत सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी। और जैसे ही हम पहाड़ में पहुंचे हैं समझ लो हमारी ठंडे से हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ही टिकट वाला ठंडा हो रहा है यहाँ पे, और पूछो मत, बस जा कर के यहाँ से और सीधे रजाई में घुस जाना है, बहुत ठंडा हो रहा है। तो पीछे वो गंगा चोर की मार्केट थी, और अब हम पहुंचने वाले हैं भटेलिया मार्केट। तो हम पहुंच चुके हैं भटेलिया मार्केट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ साथ भटेलिया मार्केट में। हाँ भाई, हाँ
अरे वालेकुम अस्सलाम अमन भाई, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया है। अरे तो चलान हो रहा था क्या? अरे हम पता सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैसी बात कर दी यार। गाइस चेक कर सकते हो हमारे अमन भाई को, जैकेट पहन रखी है, इतना ठंडा यार, और नीचे को इतना गर्म हो रहा ना देख रहे हो, ठंडा लग रहा है भाई को, और नीचे को जो हमारे यहाँ से पसीना अभी तक हेलमेट में यहाँ से यहाँ को टपका वो। हाँ अब वो तो सीधे रूम में जा रहे हैं। हाँ चल फिर मिलते हैं, ठीक है? तो भाई जैसे कि चेक कर सकते हो, हमने पूरी जैकेट वैकेट सब पहन रखी है, और यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है ना भयंकर, और नीचे को इतना गर्म हो रहा था ना चेक इन चल रहा है वो दोनों निकल गए। मुड़ मुड़ के देख रहा है पीछे को नंबर प्लेट भी नहीं है भाई की गाड़ी पे। बढ़िया, सही हुआ निकलिए, रोक रहे थे, आवाज दे रहे थे पीछे से वो है। तो चलते हैं भाई इधर, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है, तो बाइक लगाते हैं यहाँ पे ही लगाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, तो उम्मीद करते हैं आपको आज के ब्लॉग में भी बहुत मज़ा आएगा, और मौसम का व्यू देख के तो कसम से कह रहा हूँ दिल खुश हो जाएगा आपका, जैसे कि मेरा हुआ है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितनी भी मेरी वीडियो, सारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब करना गाइस, और अपना प्यार बनाए रखना। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त, बाकी देख सकते हो, और हालात ख़राब हो गए, पानी फिर डालना पड़ेगा इसमें ला करके, फिर से गंदी हो गई है।